तो हमने कल इंडो पैसिफिक में जो नया बना है और क्वाड में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर स्टेप लिया है। फर्स्ट टाइम यूएस नेवी शिप हैज डॉक्ड इन इंडिया। रीजन कैन बी एनी टू मेनी, आई विल से डॉकिंग, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। वहां हमने चाइना का शिप श्रीलंका जाने से रोक दिया। क्या इंडिया जो है वो अमेरिका का एक स्ट्रॉन्ग अलाई के तौर पर आपको नजर आ रहा है? ग्लोबल टाइम्स, इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई तुम्हारी? सैमसंग गया क्या? हम ये पूछ रहे हैं कि इंडिया क्यों आगे आया है, एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया क्यों आया है? बिकॉज इंडियंस ये एंटी अमेरिकन बिहेवियर नहीं करते हैं, हमें शर्म आ रही है अमेरिकन के सामने। हमने उनके साथ मुआहदा किया था कि ये असला जो है ये कम्युनिस्ट इन्वेजन के खिलाफ इस्तेमाल होगा। जब वो हमने उसकी खिलाफ वर्जी की हाँ, फिर उड़ा तो दिया। उन्होंने हमारी इमदाद बंद कर दी। हाँ इंडिया की प्रेजेंस, एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी में इंडिया की प्रेजेंस, इंडियंस की प्रेजेंस बहुत पुरानी है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। इंडियंस ने बहुत साल से ये मेहनत करके वो आगे आए हैं, अपनी रिलेशनशिप उन्होंने बढ़ाई है, उन्होंने मेहनत की है ऑन द ग्रास रूट्स लेवल। उनके डिफेंस अटैचे हमारे वाइस एडमिरल साहब, इंडियन नेवी के भाई, एडमिरल के नीचे होते वाइस एडमिरल साहब, और हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उन्होंने जाके उनका स्वागत किया। ऑल दीज फोर पीपल वेयर प्रेजेंट, सो दिस गिव्स अ मच बिगर मैसेज। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। इंडो पैसिफिक में भारत ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। भारत और अमेरिका जो कि क्वाड का भी हिस्सा हैं, इस साल अप्रैल में हुई 2+2 उच्च स्तरीय बैठक के बाद सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। उसके बाद अभी इतिहास में पहली बार अमेरिकी नौसेना का कोई जहाज मरम्मत के लिए भारत आया है। अमेरिकी नौसेना के इस जहाज की मरम्मत LNT के तमिलनाडु शिपयार्ड में की जाएगी। क्योंकि भारत और अमेरिका क्वाड का हिस्सा है, इसलिए भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर ये नया दांव खेला है। अब इस नई डेवलपमेंट से भारत के मेक इन इंडिया को खूब बल मिलेगा। ये पहली बार है जब अमेरिकन नेवी का कोई जहाज मरम्मत के लिए भारत आया है। यह ऐतिहासिक घटना ऐसे समय में हुई जब एशिया में चीन की आक्रामक सैन्य गतिविधियां चरम पर हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। ये जरूर पूछना चाहूंगी कि आपके यहाँ एक अमेरिका का कहा जा रहा है नेवी का शिप जो है वो रिपेयर हो रहा है, वो क्या बात है? मतलब वो इत्तेफाकन आ गए या वाकई में सिर्फ रिपेयर के लिए ही आए हैं, क्या है वो सारा वो न्यूज, क्योंकि मेरी नजर से गुजरी थी। मैं आरजू जी, आपकी नजर पे तो खैर माइक्रोस्कोप पे चीजें पकड़ लेती है इधर उधर, वैसे ये काफी लोगों की नजर से नहीं गुजरा, आपकी नजर से गुजरा, अच्छी बात है। अब समंदरी डोमिनेंस के लिए आपको डॉकिंग चाहिए। तो हमने कल इंडो पैसिफिक में जो नया बना है और क्वाड में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर स्टेप लिया है। फर्स्ट टाइम यूएस नेवी शिप हैज डॉक्ड इन इंडिया। रीजन कैन बी एनी टू मेनी, आई विल से डॉकिंग, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। वहां हमने चाइना का शिप श्रीलंका जाने से रोक दिया, चाइना का शिप श्रीलंका जाने से रोक दिया और यूएस का शिप हमारे यहाँ आया। अब इसमें दो चीजें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। जो कौंसुलेट है यूएस का चेन्नई में, वहां के जो एम्बेसडर साहब या काउंसलर है, जो भी वहाँ के हेड है एम्बेसी के, वो उनके डिफेंस अटैच है। हमारे वाइस एडमिरल साहब, इंडियन नेवी के भाई, एडमिरल के नीचे होते वाइस एडमिरल साहब, और हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उन्होंने जाके उनका स्वागत किया। ऑल दीज फोर पीपल वेयर प्रेजेंट, सो दिस गिव्स अ मच बिगर मैसेज। ये SOS कॉल में नहीं है, मैं आपको यहाँ क्लैरिफाई, ये नहीं कि शिप खराब हो गया था, डूब रहा था, हमने कहा चलो हमारे यहाँ आ जाओ कि भाई हम थोड़ा बहुत इसको ठीक कर देंगे। नहीं, इट वॉज अंडर अ प्रीप्लान्ड एक्शन एंड देयर वर फोर डिग्नेटरीज जो वहां के एम्बेसी के एंड है यूएस के चेन्नई की, उनका डिफेंस अटैच है, हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एंड वाइस एडमिरल ऑफ इंडियन नेवी, दे उन्होंने शिप का स्वागत किया। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। कि इतना चेंज बड़ा है, मैं आपको क्या बताऊं, जो जो चाइना कहता था ना एरिना ऑफ ग्लैडिएटर्स, अगर पता नहीं आप मेरी आवाज वेंगी तक जाएगी तो आज मैं बोलता हूँ वेंगी और ग्लोबल टाइम्स, इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई तुम्हारी? सैमसंग गया क्या, ये देखा नहीं? पर ना इनका प्रतिक्रिया आएगी, ना ग्लोबल टाइम्स का आएगा, ना वेंगी का आएगा, सब साफ सूख गया। ये वही वाली बात होगी, जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम बना तो इन्होंने जहाज जापान तक घुमा के ले आए, जापान में वो हवा खा के आ गए। जब कुछ होता ना अर्जुन जी, क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में जहाज उड़ा देते हैं, चल चल घुमा क्या, घूम क्या, घूम क्या, घूम क्या, फिर उसका ग्लोबल टाइम्स फोटो डालेगा, चाइनीज एयरप्लेन्स दिस। सच ये है अर्जुन जी, चलिए अब तो बात होगी, मैं तो इसकी तरफ थोड़ा बहुत इशारा कर रहा था पहले भी। सच ये है कि दुनिया में किसी को इस चीज की हवा तक नहीं लगी। Nobody could talk about it. Nobody could predict this. Nobody could discuss this. While as Chinese ship, starting from the Chinese naval base, जो भी होगा,
on the way to Sri Lanka, we could know it, we could track it, we could detect it, and we could stop it. हमारी तो बात छोड़िए, हमारे पड़ोसी के यहाँ भी हमने उसको रुकने नहीं दिया, और यूएस का आ गया, जब तक आ गया, एक खबर छपती है, मिशन इज सक्सेसफुल, मिशन इज अकम्प्लिश्ड. जियोपॉलिटिकली मिलिट्री कॉपरेशन की बात करें, इट्स अ बिग मूव, और अगर शिप आ सकता तो छोटा बड़ा शिप कोई भी आ सकता, तो शिप आ सकता तो सबमरीन भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है. तो बेसिकली दिस इज अ स्ट्रेंथनिंग एंड वर्किंग ऑफ कॉड. पहले जो कॉड एक कॉन्सेप्ट था, इन्होंने वायरस ब्रीड करके कॉन्सेप्ट को रियलिटी बनाया. कॉड बना, INSST बना, I2U2 बना, इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम बनी, और नई नई चीजें बन रही है, गाबी अलायंस चल रही है, सब चल रही है. और अमेरिका ने पहले अलजवेरी को ठिकाने लगाया, फिर पेलोसी का जहाज उतारा, और 3 दिन बाद इंडिया के हार्बर पे अपनी बैटलशिप लगाई, और व्यंगी घूम रहे हैं कि 164 है, 132 है, 182 है, 182 है, हम ताइवान में ये करेंगे वो करेंगे. आरजू जी, जिनकी औकात होती है ना, वो करके दिखाते, करके बता देते, हो गया. और जिसको कुछ नहीं करना होता, उसे तो हवाई फायर करने, जैसे वो बुरहान वानी था, उसने जिंदगी भर में क्लाश्निकोफ नहीं चलाई, 2 क्लाश्निकोफ लगा के फोटो लगाता था फेसबुक पे, 40-50 गर्लफ्रेंडें जरूर बना ली थी, और उन गर्लफ्रेंडों ने इन्फॉर्मेशन दे दी. चले, अच्छी बात है, हर एक चीज का कुछ ना कुछ होता है. तो ये भी उसी मॉडल पे चलते हैं, फोटो लगाते हैं, वीडियो लगाते हैं, करते कुछ नहीं है. यहाँ हमने करके दिखाया. ये 3 चीजें अगर आप देखें, अमेरिका हो, हम हो, जिसका जो रोल है वो हो गई, और विदाउट ऐसे. और इनका जहाज आने नहीं दिया श्रीलंका, इनका जहाज आया नहीं श्रीलंका, और जबकि श्रीलंका को हमारे बाप की जागीर है, खरीद लिया उनको, तब भी नहीं आने दिया. इट्स अ ग्रेट डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया. देखिए, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि वन, पाकिस्तान यूएस रिलेशंस एंड इंडिया यूएस रिलेशंस ऐसे नहीं है कि आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर रहे हैं. इंडिया की प्रेजेंस, एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी में इंडिया की प्रेजेंस, इंडियंस की प्रेजेंस बहुत पुरानी है. पाकिस्तानीज, हमने हमेशा रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट किया एज पाकिस्तानीज. ओवर द पास्ट, जब ट्रंप आए हैं, जब वॉर्स हुई हैं, तब पाकिस्तानी थोड़ा थोड़ा करके डेमोक्रेटिक पार्टी में गए. तो हमारी जो इस वक्त आप शायद पाकिस्तानियों को लगता है कि प्रेजेंस नहीं है पाकिस्तानियों की, वो इसलिए है कि इंडिया, इंडियंस ने बहुत साल से ये मेहनत करके वो आगे आए हैं. अपनी रिलेशनशिप उन्होंने बढ़ाई है, उन्होंने मेहनत की है ऑन द ग्रास रूट्स लेवल. वो 20 साल से मैं देख रही हूँ इंडियन अमेरिकन हैं, उन्होंने, मैंने मिलकर उनके साथ डेमोक्रेटिक पार्टी में काम किया है. पाकिस्तानी तो अभी आए हैं, अब वो शिफ्ट आ रही है. और हमें ये देखना कि यूएस की रिलेशनशिप इंडिया से स्ट्रॉन्गर है, बिकॉज उन्होंने ज्यादा मेहनत की है. और जैसे आपने खुद ही अभी कहा, तो पाकिस्तानी अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर्स ही पाकिस्तान को इन अमेरिका को गालियां दे रहे हैं इमरान खान साहब के फॉलोअर्स. तो जाहिर है दैट हर्ट्स अस पॉलिटिकली, क्योंकि ये चीजें मैटर करती हैं. इंडियन अमेरिकन जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, वी कांट कंपेयर द टू. और हमें हमेशा देखना चाहिए कि हम चाइना से भी दोस्त रह सकते हैं, बिकॉज वो नेबर है, दैट वोंट चेंज.